पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में और ज्यादा एक्टिव हो गई है। दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद अब आपकी निगाहें राज्य की नगर पालिकाओं पर टिक गई हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने टारगेट रखा है दिल्ली में एमसीडी चुनाव, लेकिन चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान से पहले तीनों एमसीडी के एकीकरण की बात से दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम चुनावों को तय समय पर कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया और बीजेपी पर चुनाव में हार जाने के डर से निगम चुनाव को टालने पर जोरदार प्रदर्शन किया और पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हार के डर से चुनाव को स्थगित कराया है, जिसके बाद आप नेताओं ने एमसीडी चुनाव को जल्द कराए जाने की मांग रखी है। पूरे देश को डराने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी की सफेद टोपी से डरने लगी है, आम आदमी के अरविंद केजरीवाल से डरने लगी है और उसका परिणाम है इतिहास में कभी नहीं हुआ। चुनाव से एक दिन जिस दिन ये रद्द किया गया उसके एक दिन पहले भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करने वाला था, चुनाव घोषित नहीं हुआ। एक आचार संहिता घोषित हुई कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते, रोड शो नहीं निकाल सकते, यात्रा नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है। वहीं आतिशी ने भी सभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी और कहा, चाहे चुनाव आज हो या एक साल बाद, जीतना तो आम आदमी पार्टी को ही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। चाहे आज हो, चुनाव चाहे 6 महीने बाद हो, चुनाव चाहे 1 साल के बाद हो, चुनाव तो देखिए केजरीवाल नहीं जीतना है, आम आदमी पार्टी नहीं जीतना है। लेकिन ये जो चुनाव रद्द करने की प्रथा है, ये जो चुनाव स्थगित करने की प्रथा है, ये बहुत खतरनाक है। अगर एक बार भाजपा ने हार के डर से एमसीडी का ये चुनाव स्थगित कर दिया, एमसीडी के इस चुनाव को रद्द कर दिया, तो आज तो वो यहाँ पे एमसीडी का चुनाव रद्द कर रहे हैं, कल को किसी राज्य का चुनाव हार रहे होंगे तो उस राज्य के चुनाव को भी रद्द कर देंगे। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक हो चुकी है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के साथ साथ आपकी नजरें इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात चुनाव पर भी है और पंजाब की जीत के बाद ये साफ हो चुका है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप दूसरे राज्यों में पैर फैलाती है तो बीजेपी और कांग्रेस का सीधा नुकसान होना तय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। वहीं दिल्ली जाने से पहले सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के राज्य के नेताओं से बैठक कर उनके साथ रात का खाना खाया। डिनर डिप्लोमेसी करके सीएम योगी ने नेताओं से बात की और फीडबैक लिया। चर्चा है कि इस बार राज्य में कैबिनेट में कई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम के लिए कुछ बड़े नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस पर पर्दा होली के बाद ही उठेगा कि किन नामों पर बीजेपी आलाकमान अपनी मोहर लगाएगी। गौरतलब हो पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की रविवार को हुई मुलाकात 1 घंटे 40 मिनट तक चली। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि वह आने वाले सालों में राज्य को विकास की कई नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में वह राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा जारी है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन रहा। सोमवार को सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, तुरंत बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सीएम योगी की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी
योगी की मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों की माने तो इन मुलाकातों में योगी कैबिनेट को लेकर अहम बातें तय हुई हैं। दिल्ली में सीएम योगी की इन मुलाकातों को यूपी में सियासी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम समझा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद यह सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा है। इसे यूपी में सीएम योगी की अपनी दूसरी पारी के लिए टीम फाइनल करने को लेकर पार्टी के आला नेताओं से मंत्रणा के एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। So, let's start with the basics. So, how did you develop your interest in literary translation? I think it comes from reading Marquez. you must have read that story. Yeah. Yeah. Back in college when I realized that translation was a very distinct activity. Right. Before that, many of us used to take it for granted. Right. That fine, there's this book I'm reading. Sure, it was written in another language. Mm-hmm. But there was actually a process involved, somebody sitting down and doing it. Only came home to me in some miraculous fashion after reading 100 pages. Okay. And how has been the journey after that? Well, initially it was an interest in translation as a literary activity. I was a student of literature. Right. And in the process of studying translation and guessing at what it did to the text, I tried a little bit of my own. But it was really more to understand translation rather than to actually translate, if you know what I mean. Yes. My interest was not so much in the practice as in using the practice to understand the process. Okay. But after I left college and we started a city magazine in Calcutta, we decided one of the things we would do, because it was an English magazine, mm-hmm. but Calcutta, like many other cities, every other city I imagine, and more so at that time, was obviously rooted in the Bengali language. Yeah. So one of the things we wanted to do was, because we had this huge